हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टीम एफिनिटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो आया है सीएसआईआर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, मगर देखो हमारे पास ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो क्या होता है कि हमें पता नहीं है आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, ठीक है। सो अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो अनपेड भी हो सकते हैं पेड भी, मतलब कुछ कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आपको पैसा देना पड़ता है और कुछ कुछ में नहीं देना पड़ता है, ठीक है। सो उसमें उसके ऊपर भी आप अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। और एक बात कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो हम क्या होता है कि टाइम के कमी की वजह से हम नहीं बना पाते, ठीक है। सो उसका जो फुल डिटेल्स है वो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है और ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो इसमें जो टॉपिक है इसमें मेनली जो मेटेरियल केमिस्ट्री और मेटेरियल फिजिक्स है उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, एंड कुछ कुछ टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लवर जो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टूडेंट है उन लोगों के भी काम में आने वाला है, ठीक है। सो क्या क्या टॉपिक है देखो यहाँ पर आने के बाद जो टॉपिक दैट इज टाइटल ऑफ द कोर्स एंड द ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, देखो समर में जो छुट्टियां होती है ना समर वैकेशन उसको आपको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, मेनली मई टू जून आपको छुट्टी रहता है तो उसको आपको काम में लगाने हैं, ठीक है। देखो जो 22nd टू 26 मई 2023 है उसमें जो होगा इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर इलेक्ट्रोकैटालिक एंड द बायोसेंसिंग एप्लीकेशन, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग साइंस, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो 12 टू 16 जून 2023 इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा यह है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, एकदम फंडामेंटल से और डिवाइस फैब्रिकेशन तक पूरा जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आर फेवरेबल, ठीक है। सो इसको आपको काम में लगाना है। एंड उसके साथ साथ देखो बहुत सारे टॉपिक है जिसमें आपको फीस पेमेंट करके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना है। देखो ये जो क्रोमाटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ना वो होगा 11 से 15 सितंबर 2023। तो ऑर्गेनिक वाले से मतलब हर जब आप प्रैक्टिकल करोगे और प्रोजेक्ट कुछ भी और आगे ऑर्गेनिक लेके आगे बढ़ोगे तो उसमें क्रोमाटोग्राफी मतलब करना ही करना है ऑर्गेनिक में, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी और इंजीनियरिंग साइंस, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। देखो सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है ना वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन कैसे, ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। कैसे, देखो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है ये आपको फिल करना है। यहाँ पर देखो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका सीरियल नंबर एंड उसका जो टाइटल है ये दे रखा है, तो आप किसी में इंटरेस्टेड हो ये डालना है। ड्यूरेशन वहां पर मेंशन है, वही ड्यूरेशन आपको देना है, ठीक है। देन उसके साथ साथ फोटोग्राफ, आपके नेम, फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी, ये सब आपको फिल करना है। उसके साथ साथ कुछ चीज आपको जो मेल है उसके साथ अटैच करना है, क्या 10 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फोटो आईडी, इट मे बी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, देन पेमेंट प्रूफ। पेमेंट प्रूफ मतलब एक तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें शायद कुछ पैसा मांग रहे हैं तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पहले पेमेंट करो, देन उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है। एंड एनी अदर सर्टिफिकेट, देखो अगर आप कुछ एग्जाम क्वालिफाई किए हो तो वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो जो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। एंड उसके साथ साथ अगर आप पहले कुछ इंटर्नशिप किए हो तो वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। देखो
जो अप्लाई है ना, अप्लाई करने के बाद आपको मतलब जो मई जून जुलाई का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए तो अभी आप अप्लाई कर दो, लेकिन जो सितंबर अक्टूबर और इवन जनवरी में जो होगा ना उसके लिए आपका तो मतलब ये नहीं रहेगा कि याद नहीं रहेगा। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, जो एप्लीकेशन है ना वो एटलीस्ट 7 डेज पहले आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो, जो जनवरी के लिए जो दे रखा है और दिसंबर के लिए जो दे रखे हैं उसके लिए तो आपके जो डेट है वो याद नहीं रहेगा। अभी से अगर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ईमेल के थ्रू ये ले रहा है एप्लीकेशन, तो मतलब बहुत जो ईमेल होता है ना उसमें जो इनबॉक्स होता है उसमें बहुत आपका नीचे चला जाएगा, शायद चेक करने में कुछ मतलब ये हो सकता है। जो अभी वो कर रहे हैं कि जो जुलाई मई जून जुलाई का ये ले रहे हैं तो मिस्टेक हो सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि 1 महीने पहले आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि जो भी डेट है उसका जो सपोज ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना ये 20 से 24 नवंबर से है, तो मैं क्या करूंगा उससे 1 महीने पहले ये जो है एक कम्युनिटी पोस्ट में मैं कर दूंगा कि अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखो हर बार सिर्फ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसे कर करके आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहूंगा, ये इससे आपको भी हेल्प मिल जाएगा। एंड ये जो डेट एंड ये डेट वगैरह याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे करके मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे जो न्यूज है वो है जो एकोमोडेशन है ना वो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, उसके साथ साथ जब मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। एंड आपको जो खाना मतलब वो लंच डिनर ये सब आपको खुद का पेमेंट करके आपको खाना है, तो आपके पास मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो एकोमोडेशन है वो आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको खाने का एंड आने जाने का जो खर्चा है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और CSIR का लैब से, जो एक अच्छा लैब ये माना जाता है जो है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही था हमारा इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए एंड हम जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।